हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग एक नया ब्लॉग बनाने जा रहे हैं बहुत दिनों के बाद। क्या चीज़ का बना रहे हैं? सबसे पहले तो वो बताने से पहले, बहुत लोग दोस्तों ब्लॉग में हमारे कमेंट भी करते थे, शॉर्ट वीडियो में मेरे बहुत लोग कमेंट करते थे कि आप लोग ब्लॉग बनाते हैं तो क्या आप लोग से कोई पूछता उछता नहीं है और आप लोग को वो मतलब किसी प्रकार का डर नहीं लगता है? तो दोस्तों, आप लोग को मैं आज रियलिटी अपने बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पहले हम लोग भी ब्लॉग बनाते थे तो बहुत डरते थे, बहुत लोग कमेंट करते थे, अब हम किसके बारे में बताएंगे। और बता रहे हैं कि पास पड़ोस लोग, बहुत लोग, सब कुछ लोग बोलते थे लोग कि ब्लॉग आप लोग बना रहे हैं ऐसे वैसे, बहुत लोग दाना भी कस देते थे, तो हम लोग को थोड़ा सा अजीब सी फील होती थी। मगर दोस्तों, अगर हमारे राय में आप लोग को, अगर जिस प्रकार हम अपने ब्लॉग के जरिए इतना आगे गए हैं और आप लोग को भी यदि ब्लॉग बनाना है और इस ब्लॉग की दुनिया में आप लोग कूद रहे हैं, पहले बार यदि आप लोग कूद रहे हैं, तो आप लोग को सबसे पहले तो काम ये करना है कि दूसरे के बारे में मत सोचिए कि दूसरा आपके बारे में क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो आप अपने बारे में सोचिए कि आपको ब्लॉग बनाना है कि नहीं बनाना है। यदि ब्लॉग बनाना है और आपको सोशल मीडिया के जरिए, इस ब्लॉग के जरिए, अपने चैनल के जरिए, सब्सक्राइबर के जरिए अगर कुछ पैसा कमाना है इस यूट्यूब के मार्फत, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, शर्म हया छोड़ छाड़ कर, सबसे पहले तो आप ब्लॉग बनाना शुरू करिए और साथ में शॉर्ट वीडियो भी बनाना शुरू करिए। जिस प्रकार हम पहले, सबसे पहले तो दोस्तों हम अपने 1000 सब्सक्राइबर के लिए तरसते थे। आज हमारे चैनल पर जाकर आप लोग देख ही सकते हैं, हमको बतलाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख भी सकते हैं कि हमारा आज के डेट में सब्सक्राइबर कितना है और हमें क्या इनकम होता है नहीं होता है, वो तो हम आपको अपने ब्लॉग के जरिए बतलाएंगे ही। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इस विषय पे अपने टिप्पणी करते हैं कि हम ब्लॉग बनाते हैं तो कैसा कैसा कमेंट आता था, लेकिन बुरा नहीं मानना चाहिए। बुरा नहीं मानना चाहिए, सब सही बात है कि बुरा नहीं मानना चाहिए। नहीं, बुरा नहीं, लोगों को कुछ लोगों को ब्लॉग करने वाले कहते हैं चले जाते हैं, जैसे रोड पे कुत्ता भूखता है, भूखकर चला जाता है, तो इंसान क्या करता है, कुछ करता है नहीं करता है, तो उसी तरह कुछ कोई करता नहीं है। लेकिन हाँ, कहने वाला बहुत लोग कुछ कहते हैं, कहने वाला का कोई मुंह नहीं रोक सकता है कि हम लोग भी रोक सकते हैं। तो इसी की वजह से आप लोग भी वीडियो बनाते हैं तो बनाइए, वीडियो बनाने में कोई गुनाह नहीं है, कि गुनाह नहीं है वीडियो बनाना, खराब बात नहीं है कुछ भी। दोस्तों, जो समझ में आवे, देखिए हम लोग बहुत लोगों को अपना प्रेरणादायक माने हुए हैं, आदर्श माने हुए हैं, उन्हीं को देख कर ही आज हम अपना ब्लॉग बनाते हैं। जैसे जैसे दोस्तों मनोज देव जी हैं, विजय रिया ब्लॉग देखते हैं, हमको तो विजय रिया ब्लॉग का ब्लॉग बहुत बेहतरीन लगता है। जिस हिसाब से वो गांव का लड़का है, जिस हिसाब से वो ब्लॉग बनाता है, आज सोशल मीडिया में यूट्यूब के जरिए इतना बढ़िया पैसा कमाता है, उसको देख कर तो हम लोग को एकदम समझिए दिल छू जाता है उसका ब्लॉग। और उसी का उपलब्ध में देखिए, हम लोग आज उसका फिर हम लोग देखे हैं, सुबह सुबह ही ब्लॉग देखे हैं, हम लोग छोड़ दिए थे थोड़ा सा ब्लॉग बनाना, सिर्फ शॉर्ट वीडियो पर ध्यान देते थे, तो आज फिर से हम लोग देखिए ब्लॉग बनाना शुरू किए हैं। और दोस्तों, आज हम अपने ब्लॉग में क्या चीज़ दिखलाने, वो बोलता भी है, विजय रिया ब्लॉग बोलता भी है कि कुछ भी अपने घर का दिनचर्या का जो भी काम करते हैं वो चीज़ ही अपने ब्लॉग में बनाया करिए। तो देखिए, आज हम घर में देखिए अपना नए घर का देखिए आप लोग को दिखलाते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा कितना आता है, अरे पैसा आए या ना आए यूट्यूब से, लेकिन ये तो याद रहेगा, ख्याल रहेगा कि हम लोग उस समय में कैसे थे, कैसे क्या कर रहे थे, उस समय हम लोग क्या थे, आए ये सब तो याद रहेगा ना। जरूरी नहीं है कि पैसे मिलेगा तो भी नहीं, मिलेगा क्यों नहीं, आप लगन से लगे रहेंगे तो मिलेगा क्यों नहीं। ब्लॉग आप देखिए तो कैसा था वो बंदा, आज के डेट में उसके पास सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बहुत से लोग पूछते थे कि पैसा आता है, कितना आता है, बतलाएंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग, कई ब्लॉग बनाएंगे, उस ब्लॉग के जरिए आपको बतलाएंगे कि हमें कितना आता है, क्या आता है, कैसे आता है। और दोस्तों देखिए, आज हम इस ब्लॉग के जरिए हम देखिए क्या करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे घर में थोड़ा सा ये सब वॉल पुट्टी हो गया, नया घर का मेरा ये नवीनीकरण हुआ है, बना है, सब आपको देखिए दिखला दे रहे हैं, ये सब वॉल पुट्टी करा दिए हैं, लाइट वाइटिंग का सिस्टम सब करा दिए हैं। और देखिए दोस्तों, आज हमारे घर में इसी का हम लोग ब्लॉग बनाने जा रहे थे कि अपने घर का थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का व्यू दिखला दे। सबसे पहले देखिए, हमारे ये छत का बारजा है, बारजा से आपको दिखलाते हुए देखिए, बारजा से अंदर में आए रूम में, ये हमारे डुग्गू हैं और हमारी मिसेज हैं। और देखिए, ये रूम से गुजरते हुए देखिए एक गलियारा है, गलियारा के जस्ट बगल में ये देखिए जो खिड़की है और दरवाज़ा, ये है किचन। और किचन में कोई ख़ास बड़ा नहीं है, फिर भी शहर में जानते ना दोस्तों,
इतना ही जगह काफ़ी होता है। उसके देखिए किचन के जस्ट बगल में देखिए एक रूम है, दिखलाई दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब तो फिलहाल हम जा रहे हैं कुछ पेंट का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, पेंट का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ पेंट बचा हुआ था तो मिस्त्री का काम तो खत्म हो गया था, तो हम सोचे कि घर का कुछ बचा हुआ है। जैसे ये देखिए आपको दिखला रहे दोस्तों, ये चौकी है, इसी को सोच रहे पेंट बचा हुआ सुखा रहा था, तो कम से कम इसी को हाथ से पेंट उंट मार के इसको ख़त्म कर दें। दोस्तों ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।